हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया डब्ल्यू 0.2 के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे, राजस्थान पटवारी भर्ती के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो राजस्थान पटवारी भर्ती का यदि एडमिट कार्ड निकालना है तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर लीजिए। आपको बता दूँ, यदि राजस्थान से रिलेटेड किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन बटन को ऑन कर सकते हो। और यदि आप डिफेंस में जाने का सपना देख रहे हो तो भी आप ऑन कर सकते हो इस बेल आइकन बटन को, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाइयों। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आना है और सर्च करना है SSOID। क्या सर्च करना है? SSOID। मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर SSOID। देखो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ SSOID। अब देखो मैं बता दूँ, SSOID जैसे आप सर्च करोगे, SSOID जैसे आप ओपन हो जाती है, SSOID आपको याद होनी चाहिए। SSOID और पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। SSOID में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हैवी ट्रैफिक आएगा बहुत ज़्यादा भी, क्योंकि राजस्थान में एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं तो सभी बच्चे एडमिट कार्ड निकालने में लग जाएंगे। तो आपको बता दूँ, SSOID आपको सर्च करना है। SSOID देखो अभी थोड़ा हैवी ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण साइड नहीं चल पा रही है। तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार का पेज ओपन होते है आपको क्या करना है, इस प्रकार का पेज ओपन होते है आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो यह कुछ दे रखा है। तो आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको जो अपना SSOID है वो लॉगिन करनी है। अब SSOID लॉगिन कैसे करते हैं तो मैं बता दूँ आपको, SSOID लॉगिन इस प्रकार करनी है आपको। देखो ध्यान से देख लेना इस वीडियो को, वरना आप बाद में बोलोगे सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। तो आपको बता दूँ कि SSOID अपने लॉगिन करना सभी बच्चे को आता है। राजस्थान की जो भी भर्ती की तैयारी कर रहा है ना, उन सभी बच्चों को SSOID लॉगिन करना सबको आता है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। चलो मैं आपको वैसे ही करके दिखा देता हूँ, एक मिनट। देखो SSOID हमारी मेरी यहाँ आ गई। तो यहाँ पर मेरे पास SSOID और पासवर्ड दोनों सेव है। दोनों पासवर्ड को तो मैं दिखा नहीं सकता ना, इस कारण से पासवर्ड मैंने सेव कर रखे हैं। तो 2048 मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, 2048 और 76। और जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, आपके सामने SSOID पर लॉगिन हो जाऊँगा मैं। तो जैसे मैं SSOID पर लॉगिन होता हूँ तो देखो कुछ सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अब कई बच्चे बोलेंगे इसको स्क्रॉल क्यों करा, तो भाई इसको स्क्रॉल इसलिए करूँ, डेस्कटॉप मोड में मैंने एक्टिवेट कर रखा है इसको। SSOID में यहाँ पर इस प्रकार एक्टिवेट करने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा किस प्रकार आपको करना है क्या। देखो मैं आ चुका हूँ मेरी SSOID के होम पेज के ऊपर। जैसे मैं होम पेज के ऊपर आता है तो आपके सामने आएगा एक रिक्रूटमेंट पोर्टल, जिसके आपका अशोक स्तंभ चिन्ह आपका, तो उस पर आपको क्लिक करना। तो मैं इस पर रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्योंकि साइड में प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ी स्लो चल सकती है, पर आपको कोशिश करते रहना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आपने सुना होगा ना। तो आपको बता दूँ ये मेरी SSOID है और पासवर्ड मैं किसी को नहीं बताता। आपको देखो रिक्रूटमेंट पोर्टल आपके सामने ऐसे खुल कर आएगा, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। देखो दिस पेज इज़ नॉट कंटिन्यू आपको कर लेना है, क्योंकि यार वर्किंग नहीं कर रहा है ये पेज। बहुत ही आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही देखो ये रिक्रूटमेंट पोर्टल बहुत ही आपका कम चल रहा है। पर आपको देखो रिक्रूटमेंट पोर्टल जिससे खुलेगा आपके सामने आएगा एडमिट कार्ड का ऑप्शन, उसे एडमिट कार्ड पर आप क्लिक करोगे आपके सामने पटवारी का एडमिट कार्ड आपका ओपन हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार एडमिट कार्ड निकाला, आपको पूरी डिटेल मैंने बता दी। अब एडमिट कार्ड तो आप देख ही सकते हो ना किस प्रकार आपको निकालना है। साइड देखो थोड़ी सी चल रही है, मैं आपको दिखाऊंगा यदि हो सके तो, जहाँ तक चलेगी तो मैं आपको दिखा दूंगा पूरा का पूरा। देखो चल रही है, थोड़ी स्लो चल रही है। स्लो चलने का मतलब ये नहीं है कि आपकी चल नहीं रही है भाई, चल रही है पर थोड़ी स्लो चल रही है भाई। तो आपको बता दूं, देखो हम आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है ना, हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये फायरमैन वाला दिखा रहा है और गांव के संग ये दिखा रहा है। तो इस पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है गेट द एडमिट कार्ड। गेट द एडमिट कार्ड पर आप क्लिक करोगे, वैसे आपको देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है। तो बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होने के कारण साइड नहीं चल पा रही है, पर आपकी जैसे साइड खुल जाए रिक्रूटमेंट पॉइंट पर जाते हैं आपको एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है। एडमिट कार्ड पर क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, यही आपकी प्रोसेस रहने वाली है। एडमिट कार्ड सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको साइड खुलते ही आपको अपडेट दे दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो जो आपका साइड का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जो सीधे आपको SSO पर लेके चले जाएगा। ये देखो बहुत ही कम, बहुत ही कम तो आपकी साइड चल रही है, क्योंकि बहुत ही हैवी ज़्यादा ट्रैफिक आ चुका है साइड के ऊपर, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ चुका है कि साइड तो चलने की तुलना मात्र खुल भी नहीं पा रही है यार। ये देखो वापस मुझे SSO पर ही भेज रहा है, आपके सामने कर रहा हूँ यार, लाइव सब कुछ कर रहा हूँ यार, फिर भी देखो क्या होता है कि साइड की प्रॉब्लम हो रही है भाई। देखो साइड की प्रॉब्लम हो रही है, देखो रिक्रूटमेंट पर वापस क्लिक करता हूँ, वापस डेस्कटॉप मोड पे मुझे लेके चला जाता है ये।
तो वापस नेक्स्ट रोड पे लेके चला जा रहा है मुझे ये। तो आप सोच सकते हो कितना हैवी ट्रैफिक आ चुका है, क्योंकि सारे के सारे बच्चों ने एक साथ SSOID लॉगिन किए, तो इतना हैवी ट्रैफिक आने के कारण से ये नहीं चल पा रहा है भाई। पटवारी के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, ये मैं साफ साफ शब्दों में आपको बता दूं, पटवारी के एडमिट कार्ड आपके जारी हो चुके हैं। पटवारी के एडमिट कार्ड आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी यूट्यूब चैनल देने वाला मात्र ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 है, जो आपको बता रहा है कि एडमिट कार्ड आपको कैसे निकालना है। तो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखो कोशिश करते हैं कि एक बार और कि खुल जाए तो ये साइड, पर आपकी साइड नहीं चल पा रही है भाई, बहुत कम चल पा रही है। ये लो भाई, नहीं चल पा रही आपकी साइड। देखो ये आ रहा है रिक्रूटमेंट पोर्टल, बस बहुत ही